नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके क्यूज बकर्स पे। दोस्तों मैं शुभम आज आपके साथ शेयर करूंगा 13 जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स जो कि आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है कमेंट, और कल के वीडियो का आंसर मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष की जो इसकी विषय वस्तु थी वो थी चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, ये इसकी सब्जेक्ट था, थीम थी। ठीक है दोस्तों, विषय वस्तु थी इसकी, आप याद रखिएगा, और इसका उद्देश्य है युवा पीड़ितों को प्रेरित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? दोस्तों उनका नाम है रानी रामपाल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भारत की महिला हॉकी कप्तान है रानी रामपाल, को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के पुरस्कार से लिए नामांकित किया है, और इनको उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और नेतृत्व क्षमता के लिए नामांकित किया है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 की शुरुआत कहाँ से हुई है? दोस्तों वो हुई है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ से। याद रखिएगा 23वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 है, ये 12 जनवरी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हुआ है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर तुम्हारे पास ये है, जनवरी 2020 में किस राज्य ने अम्मा ओड़ी योजना की शुरुआत की है? दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जगमोहन रेड्डी ने 9 जनवरी 2020 को चित्तूर में अम्मा ओड़ी योजना शुरू की है। योजना के तहत कम आय वाले परिवारों से स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं और अभिभावकों को 15,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। इस वर्ष 42 लाख यानी कि 42 लाख से अधिक लाभार्थियों की पहचान की गई है और कुल 6,318 करोड़ रुपये उनके खाते में जमा किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक प्राणी उद्यान बनाने का फैसला किया है, जिसका नाम स्वतंत्रता सेनानी अशफाकुल्ला खान के नाम पर रखा जाएगा? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर। दोस्तों आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने गोरखपुर में एक जैविक उद्यान बनाने के लिए 234 करोड़ रुपए का बजट अलग रखने का फैसला किया है। उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी अशफाकुल्ला खान के नाम पर रखा जाएगा। ये है फोटो उनका, आपके सामने देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। ये अब तक उत्तर प्रदेश में 2 जैविक उद्यान हैं, एक लखनऊ में, दूसरा कानपुर में। शहीद अशफाकुल्ला खान वर्ष 1900 में उत्तर प्रदेश में जन्मे एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, यह आप याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स की, किस राज्य की विधानसभा ने एक नया लोगो अपनाया है जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक और फॉक्सटल ऑर्किड यानी कि राइनकोस्टिलिस रेटुसा, यह आप याद रखिएगा, इसका नाम राइनकोस्टिलिस रेटुसा शामिल है? दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा ने राज्य की विशिष्ट पहचान और संस्कृति को दर्शाते हुए एक नया लोगो अपनाया है। ठीक है, और नए लोगो में राष्ट्रीय प्रतीक और फॉक्सटेल ऑर्किड राइनोकोस्टिलिस रेटुसा राजकीय फूल शामिल है, आप इस लोगो में देख सकते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक भारतीय संविधान की संघीय प्रणाली का प्रतीक है, जबकि फॉक्सटेल ऑर्किड राज्य उसके लोगों और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये है अरुणाचल प्रदेश का विधानसभा का लोगो, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि नितिन गडकरी ने
जनवरी 2020 में दूसरे सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों वो किया है नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 11 जनवरी 2020 को नागपुर में दूसरे स्टेशन यानी कि सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जनवरी 2020 में गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निम्नलिखित में से किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों वो किया गया है, याद रखिएगा आप, ऑप्शन नंबर ए यानी कि विश्वास और ऑप्शन नंबर बी आश्वस्त। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। याद देखिएगा दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 जनवरी 2020 को गांधीनगर में गुजरात पुलिस और भारतीय डाक विभाग की विभिन्न परियोजना का उद्घाटन किया है। और याद देखिएगा कि राज्य में होने वाले अपराधों को रोकने में दो परियोजना यानी कि विश्वास और आश्वस्त की प्रमुख भूमिका होगी। उन्होंने गुजरात के विभिन्न लोक नृत्यों को दर्शाने वाले 6 अलग अलग पोस्टल मेमोरी कार्ड का भी उद्घाटन किया है। उन्होंने गांधीनगर रेलवे स्टेशन को मुफ्त वाईफाई प्रणाली समर्पित की है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2020 में ICC द्वारा जारी T20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की रैंकिंग में बल्लेबाजी चार्ट में विराट कोहली का स्थान क्या है? दोस्तों वो है 9th नंबर का। ऑप्शन नंबर 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 11 जनवरी 2020 को ICC द्वारा जारी T20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की रैंकिंग में बल्लेबाजी चार्ट में राहुल हैं उन्होंने अपना 6ठा स्थान बरकरार रखा है, जो कि कप्तान विराट कोहली ने 9वें स्थान पर आ गए हैं। भारत के सर्वोच्च बल्लेबाज राहुल ने 26 अंक प्राप्त किए हैं और अब 760 की रेटिंग अंक पर हैं। बाएं हाथ में सलामी बल्लेबाज शिखर धवन 15वें स्थान पर बने हुए हैं और भारत 5वें स्थान पर स्थिर रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2020 में हैथम बिन तारिक अल सैद ने निम्नलिखित में से किस देश के सुल्तान के रूप में पदभार संभाला है? दोस्तों उन्होंने संभाला है ओमान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैथम बिन तारिक अल सैद ने 11 जनवरी 2020 को लंबे समय तक शासक काबूस की मृत्यु के बाद ओमान के सुल्तान के रूप में पदभार संभाला है, ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा जो नए शासक हैं वो स्वर्गीय सुल्तान काबूस के कजिन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय परीक्षा पे चर्चा 2020 का आयोजन कर रहा है? दोस्तों वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेंट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवादात्मक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2020 20 जनवरी 2020 को आयोजित होगा। माई गवर्नमेंट के साथ साझेदारी में HRD मंत्रालय ने कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए एक लघु निबंध प्रतियोगिता शुरू की है, ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन था जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण हुआ है? दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा 35 जिलों में गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण शुरू हुआ है, जिसमें टीकाकरण कराने का फैसला है, ठीक है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन हमारे पास ये टुडे क्वेश्चन कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, उसमें से बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए काफ़ी, हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट।